वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट थर्ड के हमारे दूसरे पर्चे में शामिल मौजू गीत के फन पर चर्चा करेंगे, जो हमारे दूसरे पर्चे के दरमियान में आता है। तो आज का हमारा मौजू होगा गीत का फन। बच्चों, गीत के फन पर चर्चा करने से पहले आज हम गीत की कुछ नुमाया खूबियों पर भी चर्चा करेंगे कि गीत क्या चीज होती है, गीत क्या है। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गीत हमारे भारतीय संस्कृति यानी जो हमारा तहजीब है, हमारे इंडियन कल्चर है, उसमें भी इसकी बहुत ही अहमियत है और ये अहमियत का हामिल भी है। गीत हमारे यहाँ बरसों से गाए जाने वाले वो कलाम हैं, वो सिंफ है, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि औरत का जज्बा और उसकी जो दिली कैफियात होती है उसका बयान होता है। उसका जो दिल की कैफियत को औरत बयान करती है उसी को, उसी नगमे को हम गीत कहते हैं। चलिए गीत के बारे में जानते हैं कि गीत क्या है। बच्चों, गीत शायरी की वो सिंफ है जिसमें मौसीकियत यानी जिसको गाया जा सके, नगमगी यानी के मौसीकियत और नगमगी की फरावानी होती है। यानी फरावानी से मुराद ये है कि गीत शायरी की वो सिंफ है जिसमें मौसीकियत और नगमगी पूरी तरह से रची बसी रहती है। उसे हम यूँ कह सकते हैं कि वो गीत होता है। ठीक है, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है। उसमें शख्सी जज्बात यानी किसी शख्स के जो जज्बात हैं वो और दिली कैफियात, इसके अलावा सादगी और बेतकल्लुफी, यानी यहाँ सादगी और बेतकल्लुफी का भी बहुत अहम रोल होता है। जिस नगमे को सादगी या किसी शख्सी जज्बात को, उसके दिली कैफियात को सादगी और बेतकल्लुफी के साथ हम यूँ कह लीजिए कि पेश की जाए और वो क्या कहलाता है, गीत कहलाता है। यानी जिसमें मतलब किसी शख्स के जज्बात और किसी शख्स की दिली कैफियात को सादगी और बेतकल्लुफी के साथ गा दिया जाए, पढ़ दिया जाए या पेश कर दिया जाए, उसके दिल के अल्फाज, दिल के जो कैफियात हैं उसे लफ्ज़ों के जरिए पेश कर दिए जाए, तो वो क्या कहलाता है, गीत कहलाता है। अब चलिए गीत के बारे में जो अजीमुल हक जुनेदी हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अजीमुल हक जुनेदी की हम जो कौल है उसके बारे में जानते हैं कि गीत के बारे में वो क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया है। अजीमुल हक जुनेदी ये गीत के बारे में क्या कहते हैं, इनके मुताबिक गीत क्या चीज है। देखिए, अजीमुल हक जुनेदी इनके अकॉर्डिंग गीत औरत के जज्बाए आज़ादी से जन्म लेता है। यानी जो गीत है वो औरत का जो दिल का जो जज्बा, उसकी दिल के जो जज्बात होते हैं उनको आज़ादाना तौर पर पेश करना या उसको मतलब आज़ादी के साथ जो गीत औरत गाती है और उसका जो जज्बात होता है उसी से गीत क्या है, जन्म लेता है। और जब औरत शऊरे जात से आसना हो जाती है तो अपने पीतम पति तक पहुंचने को तैयार हो जाती है। जब उसमें नाकाम होती है यानी जब वो अपने पीतम पति तक पहुंचने के लिए वो जब अपने दिल में पूरी जो हसरत है जो रखती है उसके अपनी हसरत के बाइस वो जब नाकाम हो जाती है
तो बे इख्तियार उसकी जबान से फिराक, फिराक से मुराद है यहाँ जुदाई, यानी जो उसको फिराक का जो गम सहना पड़ता है, उस दिल में लगी उस गम का जो नगमा होता है या उसके दिल में जो नगमा पैदा होता है उसी को हम गीत कहते हैं। अब देखिए गीत की खसूसियात, यानी ये अजीमुल हक जुनैदी कहते हैं कि जब किसी औरत की जो मतलब जो सिंफी एतबार से अगर हम देखें तो क्या चीज़ होता है, जब इंसान जब गीत क्या होता है, औरत के जज्बाए आज़ादी से जन्म लेता है और जब वो मतलब अपने प्रीतम पति या जब वो औरत मतलब शऊर जात यानी जात से अपनी खुद की जात से जब शऊर से जब वो आशना हो जाती है इससे, तब वो अपने प्रीतम तक अपने पति तक पहुंचने की क्या हो जाती है मतलब उसके लिए तैयार हो जाती है, और जब उसमें वो नाकाम होती है तो बेख्तियार उसकी जबान से फिराक यानी जुदाई का नगमा पैदा होता है और यही क्या है गीत है। अब देखिए गीत की खसूसियात, गीत की क्या क्या खूबियां हैं, जो गीत है इसकी खसूसियात क्या है, यहां हम गीत के बारे में जानेंगे। और देखिए गीत से हम अच्छी तरह से जानते हैं, वाकिफ हैं कि गीत हमारे यहाँ औरतों का जो पहली जो पसंद रही है, जैसे कि हमारे यहाँ त्योहारों पर, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के त्योहार, हिंदुस्तान के रीति रिवाजों और हिंदुस्तान की अगर हम तारीख में उठा कर देखें तो गीत का बहुत अहम रोल रहा है। गीत हमारे जो तहजीबी हमारी तहजीब तमद्दुन है उससे हिंदुस्तान की जो तहजीब है कल्चर है उसका एक। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे कि जो गीत है वो हमारी तहजीब से भी बहुत आशना रहा है, वाबस्ता रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ये औरतों की दिल के जज्बात को बयान करने में बहुत काम आया है। औरत जब भी कोई उन पर जज्बातारी होता है तो जो नगमा वो बेइख्तियारी के साथ गाती है उसी नगमे को हम गीत कहते हैं। चलिए इसकी सिंफी खूबियों पर चर्चा करते हैं। अगर सिंफी एतबार से गीत के बारे में चर्चा करें तो गीत रोमानी जज्बात लिए होता है, यानी उसके अंदर एक रोमांटिक जो रोमांस होता है, रोमानी जज्बा उसके पास होता है। अगरचा ये बुनियादी तौर पर औरत के जिस्म की पुकार है, लेकिन कभी कभी इसने मर्द की तरफ इजहार मोहब्बत की शक्ल भी इख्तियार की। लेकिन गीत का जो बुनियादी मिजाज है वो कभी नहीं बदलता। दूसरी इसकी जो खूबी है वो ये है कि गीत की ये खूबी है कि वो एक जज्बा है जो दर्द कसक और फिराक से पैदा होता है, यानी जब किसी के दिल पर कोई दर्द तारी होता है, कोई जज्बा तारी होता है, या जब जुदाई में कोई ऐसी कैफियत पैदा होती है तो वो गीत का जन्म हो जाता है वहाँ पर। तीसरी अगर खूबी देखें तो गीत की भी तीसरी खूबी ये है कि उसमें जो नुस्वानियत यानी नुस्वानियत से माना है यहाँ औरत का सा लहजा, तो नुस्वानियत का लहजा होता है, ये लहजा मर्द औरत दोनों के गीतों में पाया जाता है। और चौथा जो इसकी खूबी है वो है गीत में रोमानी जज्बा और नुस्वानियत के लहजे के अलावा शरापा निगारी भी पाई जाती है, यानी उसमें शरापा निगारी को भी तवज्जो दी जाती है। पांचवा इसकी खूबी है गीत जुदाई की दास्तान है, इसलिए इसमें फिराक के जज्बात की खास तौर पर झलक नज़र आती है जो इसके हुस्न को दोबाला कर देती है। अब हम चर्चा करते हैं गीत की हैयत पर कि गीत की जो फार्म है वो कैसी होती है, यानी गीत के फार्म पर चर्चा करते हैं गीत की हैयत पर। तो चलिए गीत की हैयत किस तरह की होती है, गीत की जो फार्म है वो कैसी होती है। इब्तदा में
गीत रेखता की सिंफ में मिलते हैं, फिराक के जज्बात मोहब्बत अफजल अफजल की बकट कहानी की शक्ल में शुमाली हिंद में नजर आते हैं। यूं तो गीत की इब्तदाई फारम गजल की फारम ही रही है, गजल की फारम ही में गीत लिखे गए हैं। 20वीं सदी में गीत की एक मखसूस फारम रही है जिसमें गीत लिखे जा रहे हैं, यानी 20वीं सदी में गीत ने अपनी एक खास फारम इख्तियार कर ली और उसी फारम में आज तक गीत लिखे जा रहे हैं। अब चलिए हम आते हैं अपने मफहूम पर। अभी तक हमने इसके फन पर चर्चा की कि इसका फन क्या होता है। अब देखिए गीत की जो इब्तदा है उसका आगाज और इब्तदा है वो कैसे हुआ, वो कब हुआ, तो गीत के आगाज और इब्तदा पर चर्चा करते हैं। गीत का आगाज कब से हुआ, सबसे पहले हमें गीत की जो झलकियां हैं वो अमीर खुसरो की शायरी में देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से कि गीत की इब्तदा। देखिए गीत की इब्तदा हजरत अमीर खुसरो से बताई जाती है। उन्होंने गीत के जज्बात और एहसासात की रेखता में तहरीर किया जो गीत का इब्तदाई नमूना है। खुसरो के गीतों में हमें हिंदी गीतों की सारी नुस्वानियत और लोच पाया जाता है, अलबत्ता इजहार की जबान में फारसी के टुकड़े भी शामिल हैं, यानी फारसी को भी शामिल किया गया है। चुनांचे अमीर खुसरो के गीतों का नमूना मुलाहिज़ा है। लिखते हैं, शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ रोजा वसीलियत चू उमर कोता, सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, के पड़ी है जो जा सना दे प्यारे बी को हमारी बतियां, ना नींद नैना ना रंग चैना, आप आवे ना भेजे पतियां, यानी ना तो खुद आते हैं ना कोई पत्र भेजते हैं। अब देखिए अमीर खुसरो के बाद, यानी पहले हमने जाना अमीर खुसरो है जहां से हमें गीत की शुरुआत देखने को मिल जाती है। दूसरी है मीराबाई, मीराबाई के यहां भी हमें गीत की जो मीराबाई है उसके जो जिसे हम कविताएं कहते हैं दोहे कहते हैं मीराबाई और कबीर के यहां भी हमें गीत के असरात नजर आते हैं। तो दूसरा जो हिस्सा है वो कबीर और मीराबाई है जिनके यहां हमें गीत के से असरात देखने को मिल जाते हैं। देखिए मीराबाई और कबीर दास के गीतों ने भी उर्दू गीत को बहुत मुतासिर किया। मीराबाई के गीतों की जबान अवाम की बोलचाल की जबान है, यानी मीराबाई के जो गीतों की जबान है वो आम लोगों के समझ में आने वाली जबान है। उनके गीतों में एक फिराक जुदा औरत के जज्बात मिलते हैं, यानी जो फिराक जुदा से मुराद है जुदाई की चोट खाई हुई औरत के जो जज्बात हैं वो हमें मिलते हैं। लिखते हैं, मतवारों बादल आए रे हरी को सीनो कभो ना लाए रे, दारद मोर पपैया बोले कोयल शब्द सुनाए रे, यानी इस तरह के हमें मुखड़े मीराबाई के गीतों में देखने को मिल जाएंगे। सुनने जब हम मीराबाई के जो शायरी है मीराबाई की जो उस जमाने की जो गीत की जो रिवाज है गीत का सा वो अपने उसमें शामिल मिलेगा। अब देखिए दक्कन में जब उर्दू शायरी का आगाज हुआ, यानी दक्कन में जब उर्दू शायरी का आगाज हुआ तो वहाँ गीत निगारी के लिए फिजा बहुत साजगार थी। बकौल अजीमुल हक जुनेदी
दखनी जबान की तरक्की का दौर 1353 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहता है। इस अहद के शायरी बड़ी हद तक हिंदी गीत का मिजाज रखती है, यानी इस दौर की जो शायरी है वो बहुत हद तक अगर हम देखेंगे तो हिंदी जो गीत है उसका सा मिजाज इनकी शायरी में हमें देखने को मिलेगा। चुनांचे दक्कन के तकरीबन तमाम अहम शायरों ने गीत लिखे हैं, यानी दक्कन के जितने भी अहम अहम शायर गुजरे हैं, जो भी खास खसूसन शायर गुजरे हैं, उनके यहाँ हमें गीतों के असरात उनकी शायरी में देखने को मिल जाते हैं। उन गीतों में हिंदी अल्फाज के साथ नुस्वानी लबो लहजा, यानी औरत का सा जो दिल का जज्बात होता है वैसे से लबो लहजा नुमाया है। चंद नमूने यहाँ पेश किए जाते हैं, लिखते हैं पिया बाज प्याला जाए ना, लिखते हैं पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतल जिया जाए ना, लिखते हैं आगे के कहे पिया बिन सबूरी करूं, कहिया जाए अम्मा खिया जाए ना। ये कुली कुतुब शाह का एक नमूना हमने पेश किया है। इसी के अलावा एक और कुली वजही की एक मसन वजही मुल्ला वजही की मसनवी का एक हिस्सा लिखते हैं ताकत नहीं दर्दी की अब तो बेयगी, आमिल प्यारे तुझ बिन मुझे तुझ बिन मंजे जीना बहुत होता है मुश्किल रे प्यारे, खाना बराह का खाती हूँ मैं पानी अंझो पीती हूँ मैं, तुझसे बिछड़ जीती हूँ मैं क्या सख्त दिल है प्यारे। इसके अलावा एक और अली आदिल शाह जो उस जमाने के ये भी बहुत से बहुत अहम शायरों में शुमार किए जाते हैं, अली आदिल शाह इनका भी अली आदिल शाह का नमूना भी हम पेश करने जा रहे हैं। लिखते हैं तुझ याद कर मैं दिल मलती हूँ, यानी तुझे याद कर मैं, यहाँ देखिए ये बिछड़न होती है, जो बिछड़न की जो याद होती है उसका ये यहाँ जो शायरी कर रहे हैं दखनी शायर, और इन्हीं दखनी शायरों में हमें नुस्वानियत का लबो लहजा देखने को मिल रहा है। लिखते हैं तुझ याद कर मैं दिल मलती हूँ, लबो तेल मने दिल तलती हूँ, तन मोम बत्ती हो जलती हूँ, शब आस बिरहा में गलती हूँ। इसके अलावा अली आदिल शाह के अलावा एक और शेर कुछ मुखड़े वली की शायरी से लिखते हैं सिवा जिसके दिल में रहे याद यार, वो रो रो फिरे हिजर शू बेकरार, ना हुए ए जग में हर जिसे इश्क की बेकरारी लगी। यानी ये इनकी शायरी में हमें थोड़ा सा और नुस्वानियत का लबो लहजा देखने को मिल रहा है। अब देखिए वली के बाद हम जानते हैं कि 1707 ईस्वी ये वो दौर था जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की वफात हुई। अब औरंगजेब गद्दी नशीन थे दिल्ली में और शिमाली हिंद का वो हिस्सा था, तो शिमाली हिंद में अब औरंगजेब की जो वफात हुई उससे पहले ही हम जानते हैं लमसम 1700 ईस्वी में वली दखली यहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पर दिल्ली जाते हैं, और पहली मर्तबा वो दिल्ली वहाँ जाते हैं। उनके कलाम की वाहवाही पहले से अहले दिल्ली जो थे उन्होंने सुन रखी थी और वाहवाही लुटा रहे थे और उनसे वाकिफ भी थे। फिर वो दूसरी मर्तबा लमसम 1720-21 के दरमियान में पहुँचते हैं, तब वो जब पहुँचते हैं तो उनके पहुँचने से पहले जब अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉल है, कहते हैं कि जब पहली मर्तबा वली दिल्ली पहुँचे तो उनके पहुँचने से पहले ही उनका दीवान वहाँ पहुँच चुका था। अब दीवान पहुँच चुका है तो लोग उनसे वाकिफ तो थे ही, अब वली का जो शायरी थी हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं,
कि वही की शायरी में हमें आम फहम जबान और उर्दू जबान के बेहद बेहतरीन नमूने देखने को मिल जाते हैं। तो शिमाली हिंद में वली के दहली आमद और उनका दीवान दहली पहुंचने से यहाँ भी फारसी वो शायर आम बोलचाल की जबान की तरफ मुतवज्जो होते हैं और उस वक्त की अवामी जबान यानी उर्दू में शायरी की जाने लगी। शिमाली हिंदुस्तान में जो 12 मासे लिखे गए उनमें गीत की यही फिजा गालिब है। नमूने के तौर पर हम फजल अली फजली की कुछ शेर हम आपको नमूने के तौर पर बता रहे हैं जिसमें हमें गीत की झलकियां देखने को मिलती हैं। लिखते हैं वक्त कहानी से, सुनो सखियो वक्त मेरी कहानी, सुनो सखियो वक्त मेरी कहानी, भई हूँ इश्क के गमसू दीवानी। आगे लिखते हैं कि चढ़ा सावन मारा नगारा, सजन बिन कौन है साथी हमारा। अगला एक और अफजल जंजानवी का, घटाकारी चारों ओर छाई, बिरह की फौज ने कीनी चढ़ाई, अरे जब कोक कोयल ने सुनाई, तमामी तन बदन में आग लगाई। अगला शिमाली हिंद में अफजल के 12 माशा में हिंदुस्तानी फिजा और मिजाज का अंशर हमें गालिब लग रहा है, दिखाई दे रहा है। इस सिंफ पर सूफिया इकराम का भी एहसान है, उन्होंने आसान अवामी जबान में नज़में लिखी, इश्क हकीकी का इजहार किया। यानी जो सूफिया इकराम थे उनका जो इश्क था वो इश्क हकीकी था, तो उन लोगों ने भी अपने जो दिल की कैफियात है, अपना जो जज्बा है, उसको नज़म के ज़रिए इजहार किया। और इसी दिली कैफियात में हमें अवामी जबान के बेहतरीन नमूने यानी अवामी जबान इसमें झलकती हुई नज़र आती है। इसमें इश्क हकीकी का इजहार करने के लिए उन्होंने नज़्म को लिखा और इन नज़्मों में भी गीत नुमा और गीत की कसौटी पर पूरी उतरती हुई दिखाई देती है। ये नज़्में हमें जज्बाए इश्क का शदीद इजहार, बिरह का जिक्र और वही सीधी शादी जबान नमूना ए कलाम पेश करने जा रहा हूँ। शाह आयतुल्ला जोहरी का एक नमूना, घटा सावन की कारी जब बड़ी झूम, मेरे जी बीच बिरहा की कर गई धूम। एक और ख्वाजा अमीन के से कुछ हिस्से उनकी शायरी का एक शेर, पिया बिन हमारी सेज सुनी, हुए रह रह मुझे दुख दर्द दोनी। अब देखिए तकरीबन यानी हम चर्चा करते हैं कि तकरीबन इसी जमाने में यानी ये जो जमाना था इसी में एक और अहम शायर नमोदार होता है, यानी एक और शायर है जो इसी जमाने में नमोदार हुआ जिससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उनका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। यानी नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ किस तरह की हमें रोमानियत और किस तरह कैसी इनकी रिवायतें शायरी है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए नज़ीर अकबर आबादी खुसरो की रिवायत को उन्होंने ही जिंदा किया। वो पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को महल व जिंदगी का तर्जमान, महल व जो शराय थी उनसे बाहर निकाला। यानी जो एक जो शायरी थी जो महलों तक महदूद थी उस शायरी को नज़ीर अकबर आबादी ने किसकी रिवायत पर चलते हुए, अमीर खुसरो की रिवायत पर चलते हुए उनको महलों से शरायों से बाहर उस शायरी को निकाला। और देखिए किस तरह की इन्होंने अवामी जो शायर, इनको इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने किस तरह से अवाम तक इस शायरी को
अपने इस कलाम को पहुंचाया और किस तरह अपना जो शायरी का हिस्सा है उसमें आवाम को बनाया, यानी आम लोगों को अपनी शायरी में जगह दी। तो देखिए, सरायों से निकालकर इन्होंने आवाम के दरमियान खड़ा किया और उसमें अवामी मसाइल मौजूआत और अवामी जिंदगी का तर्जमान बनाया। उनके कलाम पर गीत का रंग गालिब है, आम बोलचाल की लफ्जों से उन्हें प्यार है और हिंदुस्तान की कदरें उन्हें अजीज हैं। एक नज़्म में कृष्ण कन्हैया का बालपन उनके अल्फाज में बयान है, यानी उन्होंने एक नज़्म लिखी है कृष्ण कन्हैया का बालपन, जिसमें हम उनकी नज़्म का ये हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें नस्वानियत, जिसमें हमें गीत के असरात झलकते हुए नज़र आते हैं। लिखते हैं, यारो सुनो ये दूध लुटिया का बालपन और बुधपुरी नगर के बशिया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के गवाल गवीन चरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। यानी बांसुरी बालपन, बांसुरी बजैया की ये जो नज़म थी कन्हैया का बालपन, इसमें इन्होंने बयान किया है। अब हमारा जो आगे का हिस्सा है उसको हम कल पढ़ेंगे, इस सिलसिले को हम आगे और बढ़ाएंगे कि गीत कैसे वक्त के साथ साथ कैसे गीत ने अपने मौजूआत में वसअत पैदा की और किस तरह से गीत धीरे धीरे हमारी जो उर्दू शायरी है इसमें नमोदार होता रहा और किस तरह से गीत की ये जो सिन्फ है ये हमारी तहजीब से जुड़ती चली गई और कैसे इसने अपनी संत रफ्तार को बढ़ाया। ये आज का हमारा जो गीत का पहला पार्ट है, यहाँ हम इसको इख्तिताम करते हैं। ऐसा ना हो कि हम इसको तफसील में एक साथ बयान करें और आपके ये मतलब समझ से बाहर हो जाए, क्योंकि ये जो शायरी है शायरी का नाजुक हिस्से होते हैं और शायरी खुद एक नाजुक चीज़ है। इसको समझने के लिए बिल्कुल शांत दिमाग से हमें इसको सोचना पड़ेगा और तफसीलात से बचते हुए इख्तिसार का हमें इसमें सहारा लेना पड़ेगा। तो इख्तिसार से इसको जानने के लिए कल हम इसको इसके बाद का जो हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से दौर बा दौर गीत अपने पैर हिंदुस्तान में जमाता गया, हिंदुस्तान की जो फिजा है उसको किस तरह से फिजा में ये घुल मिल गया। तो चलिए कल हम इसके बारे में आगे जानेंगे। शुक्रिया।